आज मैं आप लोगों को ईद स्पेशल शिरखुरमा बनाना सिखाऊंगी। इसका मेथड आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 4 टेबलस्पून राइस लेंगे हम, इसे वॉश करके पीस लेंगे। अब 1 लीटर दूध पॉट में ऐड कर लेंगे हम। अब ये जो चावल हमने पीसे हैं इसको दूध में ऐड कर देंगे। अब हमें दूध में चम्मच चलाते रहना है जब तक कि दूध बॉयल ना हो जाए, वरना चावल हमारे नीचे लग जाएंगे। दूध में बॉयल आ गया है, अब हम चूल्हा हल्का कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए हल्के चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है दूध को पकते हुए, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे हसबे जायका। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, बादाम और पिस्ते। हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे, थोड़ी सी सेवइयाँ लेंगे हम 1/4 कप के करीब, और उसको इस तरह से तोड़ लेंगे। फ्राइंग पैन में 1 चम्मच घी ले लेंगे। अब हम सेवइयों को इसमें ऐड कर देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। इसे 1 मिनट तक फ्राई करना है। ये सेवइयाँ अपने शीरखुरमे में ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको मज़ीद 1 मिनट और पकने देंगे। अब इसमें हम किशमिश ऐड कर देंगे और साथ ही छुआरे जो कि हमने दूध में भिगो के रखे थे काट के, वो भी ऐड कर देंगे। इसे 1 मिनट तक और पकने देंगे। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और शीरखुरमे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। शीरखुरमा रेडी हो चुका है।